लेमन जूस बनाने के लिए एक ग्लास ले, उसके अंदर जलजीरा डाले, दूसरा ग्लास ले उसके अंदर पानी डाले, फिर लेमन जूस डाले। हम मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लेमन जूस डालना चाहिए कोविड के वक्त में, लॉकडाउन में, यू नो इट्स गुड फॉर हेल्थ। फिर जैसे ही लेमन हो जाए उसके अंदर जितना आपकी टेस्ट के मुताबिक आपको जितना चाहिए उतना शुगर डाल दें। आफ्टर द शुगर यू हैव टू ऐड इज सॉल्ट इन इट। मैं चाहूँगी कि सॉल्ट ज़्यादा डालिए क्योंकि कोविड का टाइम है और यू नो यू इट्स जस्ट गुड फॉर हेल्थ। सो देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड गार्लिक जिंजर इन इट, किसा हुआ जिंजर डाले। ये कोविड के वक्त हमारे चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, सो प्लीज़ ऐड करें इसे जितना ज़्यादा आप कर सके उतना। उसके बाद जो हमारा पहले वाला ग्लास था जिसके अंदर जलजीरा था उसके अंदर पानी डाल दे, वो पानी वाला हो गया है अब। फिर जो पहले वाला हमने जूस बनाया था उसके अंदर और एक जो पहले वाला हमने किया है वो पानी डाल दे। उसके बाद हमारा पहले वाला ग्लास ले, उसके अंदर लेमन डाल दे और गार्लिक भी, सॉरी जिंजर भी। उसके अंदर जलजीरा है वो जो हमारा वो भी डाल दे, टेस्ट में अच्छा होगा। और लॉकडाउन के वक्त, कोविड के वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हमारा जो फिर से जलजीरा है वो इसके अंदर भी डाल दे, मतलब जब हम पानी इसके अंदर से जाएगा तो वो सारी टेस्ट उसकी जो होती है वो ले लेगी। सब उसे डाल दे एंड द जूस इज रेडी। उसके ऊपर थोड़ा सा फिर से जलजीरा डाल दे टेस्ट के लिए। हम मैं कहती हूँ टेस्ट बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी आएगी, और कोविड के लिए ये लेमन जूस बहुत यूज़फुल है। प्लीज़ लाइक कीजिए।